अपनी एक साइट पे आया था जहाँ पे अभी अपनी प्लास्टिक की पीआरवी लगी हुई है, तो इसके मल्टीपल यूज है। मैं दिखाता हूँ, अभी देखो प्रेशर इस पे 5 kg लगभग है, ठीक है। तो मैं इसका दिखाता हूँ क्या क्या काम करती है। ये जो हमारी क्विक पीआरवी है, ये अभी ऑटो की तरफ सेट है और ये ओपन होता है, ये क्लोज होता है। इसकी वर्किंग क्या होती है, अगर हम इसको ऑटो की तरफ से करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली खुल जाएगी जैसे इसके प्रेशर पहुंचेगी। ये जो नट है इसको हम लूज करेंगे, लूज करने के बाद जैसे ही हम इसको टाइट करेंगे तो ये हमारा प्रेशर बढ़ाएगी। यानी कि फॉर एग्जांपल ये हमारी अगर सेट 5.5 kg पर है, तो अगर हम इसको 5 kg पर करना है तो हम इसको नट को थोड़ा सा लूज करेंगे और इसको थोड़ा सा लूज करेंगे बोल्ट को ऊपर की तरफ और फिर इसको टाइट कर देंगे। जब इसको टाइट करेंगे जो 5.5 पर खुली थी वो 5 kg पर खुल जाएगी, अगर ये मेरा ऑटो की तरफ है तो। अगर ये मुझे 5.5 से 6 पर खोलनी है तो इसको मैं हल्का सा लूज करूंगा और इसको बोल्ट को नीचे की तरफ टाइट करूंगा। टाइट करने पर फिर इसको नट को मैं टाइट कर दूंगा, जो चीज मेरे 5.5 पे खुल रही थी वो 6 kg पर खुल जाएगी। बट उस कंडीशन में ये जो मेरा वाल्व है ये मेरा ऑटो की तरफ रहना चाहिए। अगर मैं इसको ओपन की तरफ खुल करता हूँ तो ये ऑटो अपने आप ही जैसे मैनुअली ये खुल जाएगा, और क्लोज की तरफ करता हूँ तो ये हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। अब मैं इसको ओपन करके दिखाता हूँ। मैंने इसको ऐसे ओपन करा, मेरी क्विक पीआरवी खुल गई, प्रेशर मेरा रिलीज हो गया पानी। इस तरीके से मेरा प्रेशर जो 5.5 का था वो मेरा रिलीज होकर यहाँ पर आ गया 1.5 kg पर। अब मैं इसको ऐसे ही करके बंद कर दूंगा, ऑटो पे सेट कर दूंगा तो मेरा ऑटोमेटिकली पानी निकलना बंद हो जाएगा। इस तरीके से पानी मेरा निकलना बंद हो गया और ये मेरी प्रेशर दोबारा इंक्रीज हो गया। बंद कर दो।